मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त का सिद्धू कानू मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कि झंडारोहण का कार्यक्रम और परेड वगैरह का जो कार्यक्रम होता है वो होगा। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ जिले के सभी वासियों को जिला प्रशासन की ओर से, उपायुक्त की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये एक उस तरह का राष्ट्रीय त्यौहार का समय है जब हम लोग याद करते हैं देश के प्रति जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके योगदानों को, और आज की डेट में हम लोग अपना कमिटमेंट भी कि राष्ट्र निर्माण में हम लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं, तो इस अवसर को उस तरह से भी यूज़ करते हुए और सभी से एक बार फिर से आह्वान है कि राष्ट्र निर्माण में जो भी आपका क्षमता है, जो भी आपका, जहाँ पर भी आप हैं, पूरा योगदान दें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। मैं पूरे रामगढ़ वासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इस संदर्भ में हमारे तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर के उपायुक्त और मेरे द्वारा एक बैठक भी की गई है, जिसमें तमाम एजेंसियों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ सिद्धू कानू मैदान में जो प्रोग्राम होता है उसमें साफ सफाई का निर्देश दे दिया गया है। हमारे तरफ से जो भी प्लाटून बनती है परेड के लिए, वो भी प्लाटून का गठन भी कर लिया गया है। साथ ही साथ पूरे जिला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई है, और अभी जो थोड़ी बहुत कमी है तैयारी करनी है, हमारे पास अभी समय है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पंद्रह अगस्त के लिए सभी रामगढ़ जिला वासियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं, और बाकी जो हमारे पुलिस की ओर से जो सभी को सुरक्षा संबंधी या चाहे यातायात चाहे और भी विधि संबंधित या क्राइम संबंधित या साइबर से संबंधित दिशा निर्देश दिया जाता है, और सभी लोग इसका अनुपालन करें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। जी, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी रामगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस जितना हमारे लिए खुशी का क्षण है, उससे भी कहीं ज़्यादा ये आत्मावलोकन का अवसर है। हम यदि आत्मावलोकन करेंगे तो पिछले 70-72 सालों में हमने क्या उपलब्धियां अर्जित की हैं और क्या कमियां रह गई हैं, और जो चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित हुई हैं उन चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकते हैं, उन सब पर विचार करने का एक मौका है। यह सिर्फ खुशी मनाने का मौका नहीं है, और आज़ादी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ किसी विदेशी की दास्ता से मुक्त हो जाना है, बल्कि उसका अर्थ है कि आपकी आत्मिक आज़ादी कितनी है, आपके मन में कितने सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब आप कैसे ढूंढते हैं, उसको ढूंढने के तरीके आपके पास कितने आप आ रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने विद्यार्थियों से, अपने बाकी जो भी सराउंडिंग्स में आपके हैं उनके साथ एक लोकतांत्रिक व्यवहार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कारण कि हमारी आज़ादी के बाद ही देखिए कि हमको एक संविधान मिलता है, और उस संविधान में जो चीज़ें लिखित हैं उन सब के संरक्षण का दायित्व इस देश के प्रत्येक नागरिक का है। हम एक जिम्मेवार नागरिक किस रूप में बन पा रहे हैं ये सोचना होगा, और हमें ये देखना होगा कि हम में कमियां कहां रह गई हैं। जो अपनी कमियों को नहीं देखता, जो नहीं जानता, वो सबसे विफल साबित होता है। श्याम सेवा समिति ट्रस्ट एवं शक्ति फ्यूल की ओर से सभी नागरिकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर
समस्त झारखंड वासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं, सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।